अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों? सब ठीक ठाक हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, हंसते खेलते खाते पीते मौज करते मस्ती उड़ाते हुए होंगे। दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल एग्जॉटिक बर्ड्स के पीके को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जॉटिक बर्ड्स के पीके। इसके अंदर आज मैं एक नए टॉपिक के अंदर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों हम अपने बर्ड्स को सब्जियों में क्या सब्ज़ी डालें और क्या वो शौक़ से खाते हैं, और दोस्तों बर्ड्स के लिए कौन सी सब्ज़ियां ज़्यादा मुफीद हैं और कौन सी दोस्तों बर्ड्स के लिए सब्ज़ियां मुज़र हैं, उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं। दोस्तों हम अपने बर्ड्स को सबसे ज़्यादा जो डालें, जो ज़्यादा शौक से खाते हैं और जो उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों, वो उनमें से वही चीज़ें सब्ज़ियाँ जो इंसान के लिए दोस्तों फ़ायदेमंद होती हैं, जो फ़ायदा जिन चीज़ों से इंसान को फ़ायदा होता है दोस्तों, वही चीज़ें बर्ड्स को भी फ़ायदा देती हैं। मगर दोस्तों कोई कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान खाते हैं मगर बर्ड्स उनको नहीं खाते। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम अपने बर्ड्स को क्या क्या चीज़ें रख रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें बर्ड्स शौक से खाते हैं और किन चीज़ों से दोस्तों बर्ड्स को फ़ायदा होता है और किन चीज़ों से दोस्तों बर्ड्स को नुकसान होते हैं। और दोस्तों दूसरी बात आपसे ये करने जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिनसे दोस्तों बर्ड्स खुशी खुशी खाते भी हैं और उनसे बहुत जल्दी उन पर ब्रीड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, आप मेरे चैनल एग्जॉटिक्स बर्ड्स के पीके को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें और दोस्तों दोस्तों में लाजमी शेयर करें। दोस्तों मैं इसलिए शेयर करने का कहता हूँ आपसे बार बार क्योंकि दोस्तों देखो, जैसे हमने शुरू में हमें नहीं पता था कि अपने बर्ड्स को क्या चीज़ें देनी है क्या चीज़ें नहीं देनी है, क्या बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद है क्या चीज़ें उस बर्ड्स के लिए मुज़र सेहत हैं। तो दोस्तों इस वजह से हम चाहते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे जितने भी दोस्त हजरात हैं, जितने भाई हैं, जितने बर्ड्स के फैंसी हैं, तो ताकि उनको इन चीज़ों का इलम हो जाए कि हम अपने बर्ड्स को क्या चीज़ खिलाएं, किससे बर्ड्स को फ़ायदा होगा और कौन सी चीज़ें नुकसान दें। देखो दोस्तों अभी हमने ये इनके लिए सब्ज़ियाँ काटी हैं जिसमें हमने सब्ज़ियों में इनके लिए आज तो मैंने सिर्फ इनमें दो तीन ही आइटम डाले हैं। आज मैंने इनके लिए चुकंदर डाला है और दोस्तों इनमें शिमला मिर्च डाली है और मिर्चें डाली हैं दोस्तों, क्योंकि वैसे मैं सब्ज़ियाँ मिक्स डालता हूँ मगर आज मैंने कहा ये तीन आइटम इनके लिए रख लेता हूँ क्योंकि दोस्तों आज जो है मैं जुमे का दिन था, मैंने कहा चने असर का टाइम है, आज इनको ये चीज़ें रख लेता हूँ और ताकि ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह खा के फिट फाट हो जाएंगे, मौज मस्ती में हो जाएंगे। देखें दोस्तों अभी मैंने ये रिंग नेक को रखी है तो माशाल्लाह देखें ये मेरे प्लेट रखते ही कैसे शौक से ये खाने स्टार्ट हो गए। अभी देखें ये मैं सन कुन्योर को ये रख रहा हूँ तो माशाल्लाह आप देख लें जैसे ही प्लेट रखता हूँ तो माशाल्लाह ये शुरू हो जाते हैं खाने के लिए। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हम अपने बर्ड्स को वो चीज़ दें जो बर्ड्स खुशी से खाते हैं दोस्तों, वो चीज़ हम उन पर ज़बरदस्ती ना उन पर मतलब डालें या ज़बरदस्ती उन पर ना ठोसें जो वो मज़े से नहीं खाते, जो शौक़ से नहीं खाते। दोस्तों देख लें ये माशाल्लाह जैसे ही मैं रखता हूँ प्लेट, मेरे हाथ में प्लेट होती है और बर्ड्स भागे भागे पास आते हैं और देखें माशाल्लाह ये कितने मज़े से इसको इंजॉय करके खा रहे हैं। दोस्तों देखें हमें भी जो चीज़ मज़े पसंद हो तो हम भी मज़े ले लेके उसको मज़े से खुशी से खाते हैं। अगर कोई चीज़ हमारी घर के अंदर हमारी मर्ज़ी की ना हो तो कभी तो हमारा दिल ही नहीं करता खाने का, कहते हैं दिल नहीं करता, कभी हम खाते भी हैं मजबूरी थोड़ा बहुत खाते हैं। देखें दोस्तों ये माशाल्लाह जिनको पसंद है कितने मज़े से शौक़ से भागे भागे आ रहे हैं और मज़े से खा रहे हैं। ये देख लें दोस्तों, ये देखें कैसे मज़े से खा रहे हैं, सारा मुँह इनका लाल भी होता है दोस्तों जब ये चुकंदर खाते हैं। और दोस्तों एक बात आपको और बता दूँ, दोस्तों जब ये चुकंदर खाते हैं ये माशाल्लाह इसके अंदर तो खून होता है, इसमें अंदर सही ताकत होती है, तो देखें दोस्तों ये जब ये खाते हैं तो जब ये मतलब करते हैं पोटी वगैरह करते हैं तो दोस्तों जो आप देखेंगे वो उनका कलर भी इसी तरह जिस तरह चुकंदर का कलर होता है इसी तरह उनका कलर भी माशाल्लाह इसी तरह उसका कलर भी होता है। तो दोस्तों दो असल में दोस्तों ये देख लें ये जैसे मतलब इनको आप कभी अंदाज़ा लगा लें कि ये इसकी जो मतलब बर्ड्स की जो तोतों की ये जो बीटें होती हैं या इनकी जो पोटी करते हैं तो इसका कलर भी ऐसे ही होता है। तो आप कभी भी अंदाज़ा लगाएं, कभी पानी के अंदर भी उन्हें गराया होता है तो पानी का कलर भी आप देख लेंगे। तो माशाल्लाह ये दोस्तों बहुत मज़े से ये चीज़ें खाते हैं। आप दोस्तों को भी यही कहूँगा, देखें ये चुकंदर जैसे अभी आजकल चुकंदर का माशाल्लाह सीज़न है, चुकंदर है, शिमला मिर्च है, इसी तरह आप इसके साथ खीरे वगैरह डाल सकते हैं, ये चीज़ें आप इनको डालें, इसके साथ आप शलजम वगैरह भी डाल सकते हैं,
ये चीज़ें आप इनको डाल के दें दोस्तों, तो ये माशाल्लाह एक तो खाएंगे मज़े से, दूसरा इनके में ताकत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हुई है, तो ये इनको बड़ी फ़ायदा मंद है, इनके लिए बहुत अच्छी है, फ़ायदा मंद चीज़ें हैं दोस्तों। देखें अभी ये मैं रख रहा हूँ, देखें ये अभी ये रिंग नेक कैसे भाग के आए, ये देख लें, ये माशाल्लाह अभी रखते ही भाग के, हालांकि ये थोड़ा सा ये पैर जो मतलब है थोड़ा बहुत इतने करीब इतना है, मतलब फ्रेंडली नहीं है, फिर भी जब मैं ये चिकंदर वगैरह रख लूँ भाग क्या है, खाना इसने स्टार्ट कर लिए। तो दोस्तों ये चीज़ें आप रखें माशाल्लाह अपने बर्ड्स को, आजकल तो गर्मियाँ हैं, तो असल में ये है कि गर्मियों के अंदर ये चीज़ें सब्जियां वगैरह इनको बहुत ज़्यादा दें, क्योंकि सब्जियां ठंडी होती हैं और ताकतवर भी होती हैं। और दोस्तों मैंने एक चीज़ आजमाई हुई है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मतलब बर्ड्स के लिए ब्रीड के लिए बेहतर चीज़ है वो सब्ज़ियाँ हैं, इनको फ्रूट भी दें, मगर आपको पता है फ्रूट बहुत कभी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब खट्टा भी, ऐसी चीज़ें होती हैं और वो ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा आप अपने बर्ड्स को मीठी चीज़ भी नहीं दे सकते, ज़्यादा खट्टी भी नहीं दे सकते, तो ये सब्ज़ियाँ माशाल्लाह इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। आप फ्रूट भी दें, रोज़ाना के हिसाब से दें, मगर थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में दें। तो ये देख लें माशाल्लाह कैसे इन्होंने पाँव में उठाया हुए, तो ये कैसे मज़े से उठा खा रहे हैं, देख लें सारे के सारे लगे हुए खाने में, देख लें दोस्तों, ये नहीं है कि एक दो खा रहे हैं और बाकी देख रहे हैं, माशाल्लाह सारे के सारे एंजॉय कर कर के खा रहे हैं। देखें जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब वो कोई मतलब कुल्फी वगैरह आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो सारी उनके मतलब चेहरे के साथ लगी होती है, तो इनको भी देख लें आप माशाल्लाह छोटे बच्चों की तरह ये इन्होंने मतलब ये खा रहे हैं, और इनके मतलब सारी आगे जो चोंच है वो बिल्कुल लाल हुई पड़ी है, पाँव के भी देख लें खाते हैं लाल होती है। ये देख लें अभी मैं ये अपने ग्रीन चिक्स के पैर के आगे ये सब्ज़ी रख रहा हूँ, जैसे ही रखता हूँ माशाल्लाह ये देखें भागा हुआ आ रहे। ये नहीं है कि दोस्तों अगर किसी के आगे चीज़ रखूँ सब्ज़ी वगैरह रखूँ, मतलब मेरे सारे के सारे बर्ड्स माशाल्लाह खुशी से खाते हैं ये सब्ज़ियाँ, ये वाली चीज़ भी मैं इनको ऐसी चीज़ें देता हूँ ये खुशी से खाते हैं दोस्तों। अभी देखें आजकल इन सब्ज़ियों का मौसम है, चिकंदर वगैरह ये मतलब खीरे वगैरह डालें, इसी तरह मतलब ये आप इसके अंदर शलजम और शिमला मिर्च ये दूसरी मिर्चें ये चीज़ें आप इनको खिलाएं, तो माशाल्लाह ये इनका एक तो इससे फ़ायदा ये है कि बर्ड्स के लिए भी फ़ायदा मंद है, तो आजकल इनका सीज़न भी है, तो गाजर वगैरह अगर मतलब सीज़न बाहर चल रही है तो आप साथ गाजरें वगैरह भी डालें, गाजरें तो असल गाजरें तो सर्दियों में होती हैं दोस्तों, आजकल तो वो चाइनीज़ गाजर आई हुई है, तो मैंने इसलिए साथ वो नहीं ऐड की क्योंकि वो उसके अंदर इतनी ख़ास ताकत भी नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई ऐसी ख़ास रस होती है, तो वो इतने शौक़ से नहीं खा रहे, हालांकि वैसे जब गाजरों का सीज़न होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो इसी तरह देख लें दोस्तों, जैसे ये अभी मेरी नीचे पठों की कलोनी है, घर के पठे जो मैंने अपने लिए रोके हुए थे, तो माशाल्लाह ये देख लें अभी ये मैंने इकट्ठे रखे हुए, तो ये सारे के सारे माशाल्लाह जैसे इनको भी रखता हूँ ये भी भागे भागे आते हैं माशाल्लाह, खाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी आपसे बात ये करना चाह रहा था कि कौन सी चीज़ें इनको देनी और कौन सी चीज़ें इनको नहीं देनी सब्ज़ियों के अंदर। दोस्तों देखें आजकल मैंने आपको बता दिया कि जो सब्ज़ियाँ आजकल जो चल रही हैं आजकल आप उनको डाल सकते हैं, और जो है उसके जो चीज़ें नहीं डालनी उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनको प्याज वगैरह नहीं डाल सकते, टमाटर इनके लिए नुकसानदेह, प्याज नुकसानदेह, थूम वगैरह लहसुन वगैरह ये इनके लिए नुकसानदेह, और इसी तरह आप इनको जो है मतलब ये इस तरह भिंडी वगैरह ये चीज़ें इनको ना डालें दोस्तों, क्योंकि ये एक तो इनके लिए सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, दूसरे ये शौक़ से खाते भी नहीं, दूसरी दोस्तों अगर ये खाएं तब भी इनको ये वाली चीज़ें सब्ज़ियाँ टमाटर लहसुन प्याज भिंडी वगैरह ये चीज़ें आप इनको ना दें। अगर हाँ ये मतलब करेले वगैरह खाते हैं तो वो होते कड़वे हैं, ज़रा इतने शौक़ से तो खैर नहीं खाते कड़वे, आप इनको करेले दे सकते हैं। और ख़ासकर दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखें मतलब जैसे अभी मटर का जब सीज़न आता है दोस्तों, तो आप इनको मटर दें, मटर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं दोस्तों, जिस तरह ये चिकंदर शौक़ से खाते हैं इसी तरह मटर शौक़ से खाते हैं। और दोस्तों मैंने एक चीज़ आजमाई है कि माशाल्लाह मटर से बहुत अच्छी ब्रीड आती है दोस्तों, बहुत मज़े के ये खाते भी बहुत शौक़ से, और ख़ासकर रिंग नेक तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, रिंग नेक हो गए, इसी तरह रा वगैरह और अफ्रीकन ग्रे वगैरह कन्योर वगैरह ये मज़े से शौक़ से खाते हैं, ये तो इसी तरह दोस्तों उनके अंदर भी फ़ायदा है, उसके साथ ब्रीड बहुत अच्छी आती है मटर वगैरह के साथ। और दोस्तों दूसरी बात ये कि मतलब ये मेरे पास बड़े बर्ड्स रखे हुए हैं, अक्सर जो है सात दोस्त मतलब उनको देते हैं पालक वगैरह भी, और मेरे पास बड़े बर्ड्स हैं दोस्तों, पालक वगैरह मैं इसलिए इनको नहीं देता क्योंकि ये शौक़ से खाते नहीं, हाँ जो छोटे बर्ड्स होते हैं मतलब काकटेल वगैरह और जैसे बजरी वगैरह उनको दोस्त लव बर्ड वगैरह को आप ये पालक वगैरह भी साथ रख सकते हैं, तो हम जो है मतलब ये बड़े बर्ड्स हैं वो ऐसी पालक वगैरह ज़्यादा शौक़ से खाते भी नहीं हैं और वो होती भी गर्म है, तो इतनी ख़ास जो है मैं उनको मतलब नहीं रखता हूँ, मैं ये समझ लें कि बिल्कुल पालक वगैरह नहीं रखता हूँ,
ये सब्ज़ियाँ जो मतलब शौक़ से खाते हैं। हालांकि दोस्तों मैंने सारी सब्ज़ियाँ के आगे ट्राई की हैं कि कौन कौन सी खाते हैं। अभी मैं दोस्तों चंद गिनी चुनी सब्ज़ियाँ जो ये शौक़ से खाते हैं वही डालता हूँ, क्योंकि बाकी मैं और सब्ज़ियाँ भी इसमें ऐड करता था वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती थी। तो दोस्तों हमने तो मतलब अपने बर्ड्स को वो चीज़ देनी है जो वो शौक़ से भी खाएँ और उनसे उनको फ़ायदा भी हो। देखें दोस्तों, हम मैंने पहले भी आपको मिसाल दी कि हम भी वो चीज़ खाते हैं जो हमें पसंद होती है, चाहे वो सब्ज़ी में हो या गोश्त में हो या चिकन में हो, जो चीज़ भी हमें पसंद होती है हम वो शौक़ से खाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की मेरी वीडियो इतनी थी। ये आप देख लें माशाल्लाह, ये सन गनोर के जो चिक्स भी बाहर आए हुए, ये दूसरा मेरा सन गनोर का पैर माशाल्लाह, ये देख लें कैसे मज़े से खा रहे। तो ये दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल एक्जोटिक्स बर्ड्स के पीके, जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाइयों के लिए अपने दोस्तों के लिए बनाया है, कि इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और जिन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको लाइक करें, क्योंकि मेरा भी फिर थोड़ा सा मुझे हौसला हो जाता है, मुझे खुशी होती है कि दोस्त मेरे भाई जो है इसको देखते हैं मुझे, और मुझे आगे कौन सी वीडियो बनानी है, किस टॉपिक पे बनानी है। मेरे आप भाई दोस्त मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन से बर्ड्स पर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ बर्ड्स रखे हुए, बर्ड्स का शौक़ करता हूँ, बर्ड्स की हॉबी है मेरी, और जो है बर्ड्स के पे वीडियो बनाता हूँ। तो आप मुझे नेक्स्ट बता सकते हैं कि मैं कौन से बर्ड्स पर वीडियो बनाऊँ। और दोस्तों मेरे अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी इसको लाइक करें और साथ मुझे कमेंट्स करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, शेयर करने का ये फ़ायदा होगा कि जो आगे दोस्त हज़रात होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि मैं बर्ड्स रख रहा हूँ मगर बर्ड्स को मैं क्या क्या चीज़ें डालूँ, तो उनको भी थोड़ा सा उनके इलम में इजाफा हो जाएगा, तो वो भी माशाल्लाह अपने बर्ड्स को ये चीज़ें रखेंगे जो उन बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों हमने बर्ड्स तो रख लिए थे तकरीबन साल डेढ़ साल तक, हमें कुछ नहीं पता था कि हमने बर्ड्स को कौन सी चीज़ देनी है, कौन सी चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी उनके लिए नुकसानदेह। तो दोस्तों इसी तरह हमें भी मतलब उस्तादों से सीख सीख के हमें पता चले। तो दोस्तों से भी अब गुजारिश है, देख लें ये माशाल्लाह अफ्रीकन ग्रे कितने मज़े से शौक से खा रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।